सब। चलिए तो आज हम अपने एक प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा कौन सा मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट है जो विटामिन्स एंड मिनरल्स के बाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है? एनी गेसेस? एनी गेसेस किस टाइप के प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा पॉपुलरली कंज्यूम किए जाते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड? हाँ बताइए, गेसेस प्लीज। ओके, आप तो ब्रांड का नाम ही लेने लगे। ओके, so yeah, you all are correct. Those are the probiotics. Probiotics दुनिया भर में तीसरे नंबर में सबसे ज्यादा कंज्यूम करने जाने वाला डाइटरी सप्लीमेंट है। और क्यों है? क्योंकि इसके बेनिफिट्स ही इतने ज्यादा हैं, क्योंकि ये हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ को सपोर्ट करता है। खाना तो हम सभी खाते हैं, राइट? बट हमारे जो खा रहे हैं वो पूरी बॉडी में लगना चाहिए और उसका सपोर्ट सिस्टम एक तरह से प्रोबायोटिक्स हमारे हेल्प करता है। सो प्रोबायोटिक्स होते क्या है सबसे पहली बात, राइट? जब इतने पॉपुलर है तो कुछ ना कुछ तो खासियत होगी। जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं और एनर्जी लेते हैं, वैसे प्रोबायोटिक्स जो होते हैं वो हमारी आंतों में प्रेजेंट होने वाले गुड बैक्टीरिया होते हैं जो हमें हमने जो खाना खाया है उस खाने से सारे के सारे न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कराना और साथ ही साथ ऐसे दूसरे प्रोडक्ट बनाते हैं वो बाई प्रोडक्ट साइड प्रोडक्ट जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, यानी कि हमारे ब्रेन्स हो, लंग हो, लिवर हो, किडनी हो, यानी कि आप कुछ भी ले लें, इवन स्किन पे भी ये इफेक्ट डालते हैं, क्योंकि ये हमारा खाना पचा के जो उसके न्यूट्रिशन पे एब्जॉर्ब करवाते ही हैं, प्लस साइड में ऐसे और बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। अगर हम गट की बात करें तो गट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो गुड बैक्टीरिया हमारे गट में प्रेजेंट होते हैं वो लाखों करोड़ों इवन ट्रिलियंस अरबों खरबों की तादाद में मौजूद होते हैं। इवन ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी जिन सेल्स से बनी है उससे भी ज़्यादा अमाउंट में ये गट बैक्टीरिया होते हैं और इसी वजह से ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम गुड बैक्टीरिया की हेल्थ मेंटेन रखें। अगर आप देखें तो दुनिया भर में ऑलमोस्ट काफ़ी सारे 40% यानी कि 10 में से 4 लोग किसी ना किसी तरह की गट की प्रॉब्लम से एसोसिएटेड हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि सोचते हैं हल्का सा पेट दर्द ही तो है, क्या है, बस गैस बन रही है, बट ऐसा नहीं है। ये बहुत सारी बीमारियों से लिंक असर हो सकता है। ज़्यादातर तो ये नॉर्मली होता है और आपके खाने पीने और सेहत का ध्यान रखने से इम्प्रूव हो सकता है, बट इसमें हेल्प करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे गट बैक्टीरिया का और इसीलिए हमें हमारे गट बैक्टीरिया को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये तो कहावत आपने सुनी होगी, जैसा हम खाते हैं वैसे ही हम फील करते हैं और वैसे ही हमारी सोच बनती है। इसका रीज़न ही ये है क्योंकि ये गट बैक्टीरिया जो हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं, इसी वजह से हमें कुछ खाने के बाद ज़्यादा अच्छी फीलिंग आती है और कभी कभी हमें ऐसा लगता है नहीं अनईजी सा लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये गट बैक्टीरिया का ही एक तरह का अफेक्ट है। सो क्या प्रोबायोटिक्स इन गट बैक्टीरिया को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं? वेल, डेफिनेटली करते हैं, क्योंकि ये जो गुड बैक्टीरिया है, ये प्रोबायोटिक्स है, ये स्पेसिफिक इस तरह के बैक्टीरिया से बनाया जाता है सप्लीमेंट जो आपकी हेल्थ पे अच्छा इम्पैक्ट डाले। इवन कई बार ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं हमारी बॉडी में जिसकी वजह से ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया की जो तादाद है वो डिस्टर्ब हो जाती है और कई बीमारियों की या कई ऐसे खाने पीने की वजह से आपके बैड बैक्टीरिया गट में बढ़ जाते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, इन्फेक्शन, डायरिया वगैरह वगैरह तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। इसीलिए गुड बैक्टीरिया को आपको बचाना है। और अगर आप हेल्थ वाइज बात करें तो जो गुड बैक्टीरिया है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है कि आपके बॉडी में जाकर प्रोबायोटिक्स आपके गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करें। इवन कई बार कुछ बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से गुड बैक्टीरिया मर जाते हैं और बैड बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में भी प्रोबायोटिक हेल्प करते हैं आपके गट के बैक्टीरिया को मेंटेन करने में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया आपको कि ये ऐसे साइड के
बाई प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, आपके ब्रेन की पावर को बढ़ाते हैं। इवन कई सारी बीमारियों में ऐसा देखा गया है कि अगर आप हेल्दी प्रोबायोटिक लें तो आपकी ब्रेन रिलेटेड डिजीज में भी इम्प्रूवमेंट होती है। इवन रेस्पिरेटरी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें भी कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया का स्ट्रेन स्टडी में आया है जो आपके लंग हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है, और उसके अलावा आपकी स्किन की कई इश्यूज हैं उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती है। अगेन वो डिपेंड करता है आप किस तरह के प्रोबायोटिक्स ले रहे हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, कि पॉपुलर कितने हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि थर्ड मोस्ट पॉपुलर हैं। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की। अब इनका ज़रूरत कब कब पड़ सकती है? डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे तो हमें ज़रूरत है ही, बट स्पेसिफिक हमें जो ध्यान देना होता है वो अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो ऑब्वियसली आपको सपोर्टिव केयर की ज़रूरत है, ऐसे में प्रोबायोटिक्स आपको हेल्प करेगा। इवन आप अगर मेडिकेशन में, स्पेसिफिकली एंटीबायोटिक्स, आजकल तो आप जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स कितने कॉमन हो गए लेना, राइट? कितने लोग एंटीबायोटिक्स लेते हैं या ले चुके हैं? ऑलमोस्ट सभी, और सबको पता है कि एंटीबायोटिक्स खाने के बाद क्या होता है, राइट? आपको अपसेट हो जाता है आपका स्टमक, पेट में दर्द होना, अनइजीनेस फील होना। क्यों होता है? क्योंकि ये एंटीबायोटिक्स हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को तो खत्म करते हैं, प्लस साथ ही साथ जो आपके गट में गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको भी मार देते हैं। इसी वजह से ये एंटीबायोटिक्स नॉर्मली आम भाषा में आप बोलेंगे काफी हैवी रहते हैं, राइट? जब भी आप लेते हैं डॉक्टर बोलते हैं कि किसी के साथ हो रही तो ये काफी हैवी रहेंगे, अनइजीनेस फील होती है। इसका रीजन ये है क्योंकि गुड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के नष्ट हो गए हैं। तो ऐसे में आपको प्रोबायोटिक सप्लीमेंट एंटीबायोटिक के साथ लेना चाहिए ताकि एंटीबायोटिक जो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया ओवरऑल, क्योंकि वो भेदभाव नहीं करते, वो गुड हो बैड हो सभी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो ऐसे में आपको प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया साथ में लेना चाहिए ताकि वो आपके जो स्टमक में अनइजीनेस है उसको इम्प्रूव कर सकें। प्लस साथ ही साथ आप जब भी ट्रैवल करते हैं आपके खाने पीने का आपको पता नहीं होता कि खाना जो आप खा रहे हैं वो कितना हाइजीनिक है या अनहाइजीनिक कंडीशन में बना है। प्लस साथ ही आप जो खा रहे हैं उसमें क्या कंटेंट है, कई बार हम लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तो मोस्टली हम लोग अनहेल्दी ही खाते हैं, तला भुजा, मतलब कुछ ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे में भी हमारे गट के बैक्टीरिया चेंज हो जाते हैं और इवन टाइमिंग चेंज होने की वजह से भी प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से ट्रैवलिंग में अक्सर लोगों का पेट खराब हो जाता है। तो ऐसे में प्रोबायोटिक्स लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो जब भी आप ट्रैवल करें हमेशा ध्यान रखें कि प्रोबायोटिक्स तो लेने ही लेने हैं। प्लस आपकी जो लाइफस्टाइल है, यानी कि समय पे खाना पीना नहीं खाना, अनहेल्दी यानी कि बहुत लेट खाना या फिर जो नॉर्मल खाना आप खाते हैं उस समय नहीं खाते, तब भी आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है। और जो मोस्ट हेल्थ पे इम्पैक्ट आता है सही टाइम पे नहीं खाने का, वो इसलिए भी होता है क्योंकि आपके ये जो गट के बैक्टीरिया है ये प्री प्रोग्राम होते हैं कि एक साइकिल चलती है, एक रिदम चलती है, समय पे खाना मिलता है तो वो सही से वर्क करेंगे। बट अगर आप समय पे खाएंगे नहीं तो अगेन बैक्टीरिया का तो टाइम हो गया काम करने का बट खाना पहुंचा नहीं, तो अगेन अनहेल्दी अफेक्ट आते हैं। तो ऐसे में भी आपके बैक्टीरिया को आपको गुड रखना है ताकि ओवरऑल इम्पैक्ट जो है वो आपकी लाइफ पे, नॉट ओनली खाने पे, हेल्थ पे, बट ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ बोलते हैं वो इम्प्रूव हो सके। अब तो ये हो गई प्रोबायोटिक की बात। अब इस प्रोबायोटिक को भी हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाने की जरूरत है, राइट? बैक्टीरिया को भी तो खाना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। तो ऐसे में जो प्रीबायोटिक्स हैं उनका रोल आता है। ये प्रीबायोटिक्स जो होते हैं वो प्रोबायोटिक का खाना होते हैं, यानी कि गुड बैक्टीरिया का खाना होते हैं। इसलिए ये आपको प्रोबायोटिक्स भी लेने जरूरी हैं ताकि आपकी ओवरऑल गुड बैक्टीरिया की हेल्थ भी मेंटेन रहे। अब जो ये प्रोबायोटिक्स हैं, ये जब भी आप सप्लीमेंट्स लेते हैं उसमें उस क्वालिटी के प्रोबायोटिक्स होते हैं जो आपके गुड बैक्टीरिया की हेल्थ को बनाए, ना कि बैड बैक्टीरिया की। क्योंकि बैक्टीरिया के भी खाने की अपनी अपनी चॉइसेस हैं, हर एक बैक्टीरिया को अलग टाइप का खाना चाहिए होता है। जैसे हम इंसानों को अलग अलग चीज़ें पसंद होती हैं वैसे बैक्टीरिया की भी अलग अलग चॉइसेस होती हैं। तो इसीलिए जो हमारे प्रोबायोटिक्स यानी कि गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको सपोर्ट करने वाले जो खाना होता है उनका, उसको प्रीबायोटिक बोलते हैं। स्पेसिफिकली गुड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं आपकी गट में। तो इसलिए प्रोबायोटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
अब अगर आपको आपकी गट बैक्टीरिया की हेल्थ मेंटेन रखनी है तो आपको प्री एंड प्रो दोनों बायोटिक्स का एक बैलेंस फॉर्मुलेशन की जरूरत है। और एटिमी के पास है न्यूट्रासिटिकल मिक्स जो कि प्री एंड प्रोबायोटिक का कॉम्बिनेशन है। इवन चलिए हम इस न्यूट्रासिटिकल मिक्स की बात करें तो इसकी फीचर्स देख लेते हैं कि हाउ इट इज स्पेशल देन द नॉर्मल प्रोबायोटिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 3 बिलियन CFU यानी कि जिसकी स्ट्रेंथ है 3 बिलियन गुड बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसमें। नेक्स्ट ना सिर्फ गुड बैक्टीरिया बल्कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है यानी कि 14 टाइप के आपको बैक्टीरियल स्ट्रेन्स मिलते हैं यानी कि 14 डिफरेंट टाइप के हेल्थ इफेक्ट मिलते हैं आपको क्योंकि डिफरेंट स्ट्रेन्स हैं। हर एक स्ट्रेन का अलग अलग यूज होता है बॉडी में, अलग अलग इम्पैक्ट होता है और उसके बेसिस पे आपको हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इसमें हमें डिफरेंट वेराइटी ऑफ प्रोबायोटिक्स मिल रहे हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रीबायोटिक है। जैसा मैंने बताया हर एक बैक्टीरिया का डिफरेंट चॉइसेस होती है, वैसे ही हम बैक्टीरिया को भी 3 डिफरेंट टाइप के चॉइसेस दे रहे हैं यानी कि प्रीबायोटिक्स जो कि आपके इन सभी स्ट्रेन की हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमारे जो प्री एंड प्रोबायोटिक न्यूट्रासिटिकल मिक्सेस में सिर्फ प्री एंड प्रोबायोटिक्स नहीं है, आपको इसमें गुडनेस ऑफ फ्रूट यानी कि बहुत तरह के फ्रूट्स की गुडनेस भी मिलती है यानी कि बहुत और एडिशनल न्यूट्रिटिव क्वालिटी मिलती है। इसीलिए हमारा जो प्रोडक्ट है उसका नाम न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स है यानी कि न्यूट्रिटिव है वो। प्री प्रोबायोटिक के साथ फ्रूट्स का न्यूट्रिशन भी है इसमें। इवन इसका जो टेस्ट है वो भी काफ़ी स्वीट, आपको जिंजर एंड लिकोरिश का इफेक्ट मिलेगा। लिकोरिश यानी कि मुलेठी, अगेन आप सब लोग जानते हैं मुलेठी भी हमारे बॉडी के लिए कितना हेल्थ बेनिफिट देती है, हमारे गट की हेल्थ को भी मेंटेन रखती है, इवन लंग्स की और इम्यूनिटी को भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। और जो खासियत है हमारे प्रोबायोटिक्स की न्यूट्रासिटिकल मिक्स की उसमें ये है कि एक स्ट्रेन जो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस DDS1 स्ट्रेन, ये दुनिया भर में बहुत ही रिसर्च स्ट्रेन है, इस पर बहुत सारी स्टडीज की गई है और पाया गया है कि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रेन है। और इसके अलावा हमारे न्यूट्रासिटिकल मिक्स में आपको प्रोबायोकैप टेक्नोलॉजी है यानी कि जो हमारी गुड बैक्टीरिया है वो हमारे इंटेस्टाइन तक पहुंचते हैं। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले 3 बिलियन CFU यानी कि गुड बैक्टीरिया की जो स्ट्रेंथ है 3 बिलियन स्ट्रेंथ है। ये स्ट्रेंथ इसलिए रखी गई है क्योंकि जब आपका गट का जो हम खा रहे हैं वो आपके स्टमक से पास होकर जाता है और स्टमक में काफ़ी सारे एसिड्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय करते हैं आपके बैक्टीरिया को, तो इसीलिए इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी ज़रूरी है ताकि आपके गट तक पहुंच सके। बट एक और खासियत हमारे न्यूट्रोसिटिकल मिक्स में है जो इस गट के एसिड को बाईपास करने में हेल्प करेगी जो मैं आगे बताऊंगी स्लाइड्स में। अगर हम हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेन्स की बात करें तो 14 टाइप्स के स्ट्रेन यानी कि गुड बैक्टीरिया हैं, उसमें से अगर आप कैटेगराइज करें तो सबसे बहुत ही हेल्दी जो हमारी बॉडी में इम्पैक्ट डालता है वो है लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन। तो लैक्टोबैसिलस के 7 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया हैं यानी कि अगेन ये आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहे हैं। लैक्टोबैसिलस यानी कि आपने मोस्टली सुना होगा कुछ लोगों को दूध या दूध से बनी चीज़ें सूट नहीं करती है, क्यों? क्योंकि दूध के अंदर होता है लैक्टोज जो कि कुछ लोग डाइजेस्ट सही से नहीं कर पाते। बट ये जो लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन है ये आपके उस न्यूट्रिएंट को भी डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो अगेन आपको सोचना नहीं है, आप किसी भी तरह का खाना खाएं वो उसमें अगर मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स हैं उसको भी अच्छे से डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है बैसिलस जिसका एक स्ट्रेन यानी कि बैसिलस कोगुलेंस है, अगेन ये आपके गट में जो गैस या ये सब बनती है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट स्ट्रेन है बिफिडोबैक्टीरियम, अगेन ये जो बिफिडोबैक्टीरियम स्ट्रेन है यानी कि गुड बैक्टीरिया है ये भी आपके हेल्थ पे इम्पैक्ट करता है, आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ ऐसे कई सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करवाता है जो आपकी फूड में प्रेजेंट है। नेक्स्ट स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस, अगेन ये भी ईजिली आपके गट के जो स्टमक में जो एसिड है इसको बाईपास करके आपके इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।
तो आप देख सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोबायोटिक्स हैं जो ओवरऑल इम्पैक्ट डाल रहे हैं आपकी हेल्थ को। नेक्स्ट है कि इसके फंक्शंस क्या है और ये कैसे बेनिफिट करता है। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो है आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रूव करना, यानी कि गुड बैक्टीरिया को मेंटेन करना। नेक्स्ट फंक्शन है जब भी कोई बीमारी वगैरह होती है तो जो डिसबैलेंस कंडीशन हो जाती है जिसकी वजह से आपके बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं, आपको गैस बनना, ब्लोटिंग होना, डायरिया, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस कंडीशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, ये इस तरह के बाई प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और साथ ही साथ एडिशनल बेनिफिट ये भी है कि ये आपके स्पेसिफिकली जो ओल्ड एज में डिमेंशिया या दिमाग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें एडिशनली कुछ ऐसे न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है जो आपके गट बैक्टीरिया ही बनाते हैं, तो उसको भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इवन जो आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इन सब में भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके प्रोबायोटिक्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन अगर आप देखें तो वो है प्रोबायोटिक्स आपके दूसरे सप्लीमेंट को एफिशिएंट बनाने में हेल्प करता है, यानी कि सिनर्जिस्टिक इफेक्ट डालता है। आप अपने हेल्थ के लिए डिफरेंट सप्लीमेंट्स लेते हैं, राइट? बट वो सप्लीमेंट्स अच्छी तरह से इफेक्ट डालें आपकी बॉडी में, इसके लिए अगर आप न्यूट्रोसुटिकल मिक्स या फिर प्रोबायोटिक्स के साथ लेंगे कॉम्बिनेशन में तो उसका इफेक्ट एफिकेसी बढ़ जाती है। स्पेसिफिकली मिनरल्स एंड वाइटामिंस में देखा गया है कि जब भी आप प्रोबायोटिक के साथ लेते हैं तो मिनरल्स एंड वाइटामिंस के जो बेनिफिट है वो इम्प्रूव तरीके से आपके हेल्थ को मिलते हैं। इवन ओमेगा 3 जो कि आप सब जानते हैं हमारे हेल्थ के लिए, हार्ट हेल्थ के लिए, ब्रेन हेल्थ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, उसकी भी इफेक्टिवनेस को बढ़ाता है। उसी के साथ साथ जो हमारे इम्यूनिटी बूस्टर वाले प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि हीमोहेम, इन सब सप्लीमेंट्स के साथ अगर आप प्रोबायोटिक्स के साथ इन्हें लें तो इनकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होती है और ज़्यादा एफिशिएंटली ये आपके हेल्थ को बेनिफिट करते हैं। ये रिसर्च में देखा गया है कि जब भी आप प्रोबायोटिक्स दूसरे सप्लीमेंट्स के साथ लेंगे तो उसका इफेक्ट इम्प्रूव तरीके से आपको मिलेगा। तो ये एक प्रोबायोटिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है और इसीलिए प्रोबायोटिक्स हमें रेगुलर बेसिस में लेना बहुत ही एक तरह से इम्पॉर्टेंट फीचर बना देता है, इम्पॉर्टेंट बेनिफिट बना देता है। चलिए अब हम दूसरे फीचर की तरफ चलते हैं, यानी कि हमने बात की थी लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस डीडीएस 1 स्ट्रेन। ये एक पेटेंटेड और बहुत ही रिसर्च बैक्टीरियल स्ट्रेन है। इसका नाम लैक्टोबैसिलस पड़ा है क्योंकि ये लैक्टोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी कि जो मिल्क में प्रेजेंट शुगर होती है जो मोस्ट ऑफ द पीपल जो जब भी लेते हैं तो इनडाइजेशन सा जो हो जाता है। ज़्यादातर लोगों को मैंने सुना है कि हम मॉर्निंग में दूध नहीं पीते, क्यों? क्योंकि दूध पीने के बाद थोड़ा अनइजीनेस लगती है, वो इसलिए क्योंकि उसके अंदर लैक्टोज प्रेजेंट होता है और वो हमारी बॉडी सही से डाइजेस्ट नहीं कर पाती तो ये अनइजीनेस ही फील होती है। बट जब आप लैक्टोबैसिलस स्ट्रेन लेते हैं, स्पेसिफिकली जो पेटेंटेड स्ट्रेन है जो बहुत ही ज़्यादा रिसर्च किया गया है, उसमें पाया गया है कि ये आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स को भी इजीली डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। ये तो इसकी खासियत है। इसके अलावा और एडिशनल बेनिफिट्स हैं कि आपके खाया जो खाना है उसको ईजिली गट में मूव करने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपको जो खाने के बाद हैवीनेस फील होती है वो फील नहीं होती है। ईजिली सारा का सारा खाना आपके पूरे गट में ईजिली पास होता है बिना किसी डिस्कम्फर्ट। तो ये सारे स्पेसिफिक फीचर्स हैं इस ट्रेन के जो आपकी हेल्थ की, गट की ईजी मूवमेंट और अनइजीनेस को इम्प्रूव करने के लिए स्पेसिफिकली स्टडी की गई है और इसके बेनिफिट्स पाए गए हैं। प्लस जब आपका गट हेल्दी होगा, सब कुछ ईजिली डाइजेस्ट होगा, ईजी मूवमेंट होगा, तो क्या होगा, आपकी लाइफ की क्वालिटी ऑफ लाइफ में अफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि कई बार खाना सही से पचता नहीं था, अनइजीनेस होती है, तो आप फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं जो आपकी साइकोलॉजी पे भी अफेक्ट डालता है। क्यों? क्योंकि खाना सही से पचा नहीं है, अनइजीनेस हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है। इसीलिए प्रोबायोटिक्स अगर आप साथ में लेंगे तो आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, नॉट ओनली हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे बट आपकी जो फ्रस्ट्रेशन लेवल है ये एक काफ़ी बड़ी बीमारी है कुछ लोगों को जो खाने के बाद फ्रस्ट्रेशन होती है, ये नॉर्मली लोग समझ नहीं पाते बट ये भी एक तरह की बीमारी है। ऐसे में इम्प्रूवमेंट देते हैं आपके प्रोबायोटिक्स। नेक्स्ट आता है हमारी प्रोबायोकैप टेक्नोलॉजी,
जैसा मैंने आपको बताया था, जब आप खाना खाते हैं तो सबसे पहले वो पहुंचता है आपके पेट में, और पेट में जो एसिड होता है वो सब कुछ गलाने का काम करता है, सब कुछ पचाने का काम करता है। तो ऐसे में जब आप प्रोबायोटिक्स लेते हैं तो जो हमारे स्टमक के एसिड्स हैं वो उसको किल करने का काम करते हैं। बट ये जो प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी है, ये स्पेसिफिकली डिजाइन टेक्नोलॉजी है जो आपके प्रोबायोटिक्स को सेफ रखते हैं आपके स्टमक के अंदर। तो जब भी आप प्रोबायोटिक्स खाएंगे वो इजीली आपके स्टमक से पास होकर इंटेस्टाइन में जाएंगे, क्योंकि जितने भी गुड बैक्टीरिया हैं सब इंटेस्टाइन में रहते हैं, तो वहाँ तक आपके प्रोबायोटिक्स को पहुँचना ज़रूरी है। तो प्रोबायोटिक टेक्नोलॉजी आपके प्रोबायोटिक्स को ईजिली, स्पेसिफिकली न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में जो प्रोबायोटिक्स है उसको ईजिली इंटेस्टाइन तक पहुँचाती है और गुड बैक्टीरिया को वहाँ फ्लरिश कराती है। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक्स। हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में 3 टाइप्स ऑफ प्रीबायोटिक्स है, यानी कि ऑलिगो फ्रक्टोज, नेक्स्ट इनडाइजेस्टिबल मैल्टोडेक्सट्रिन एंड गैलेक्टोज। ये सारे के सारे मिलके आपके प्रोबायोटिक जो है गुड बैक्टीरिया की हेल्थ को मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ आपको गुडनेस ऑफ फ्रूट एक्सट्रैक्ट्स भी मिलता है आपके न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स में। इसमें 10 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स के एक्सट्रैक्ट हैं जो न्यूट्रिटिव क्वालिटी भी ऐड करते हैं आपके सप्लीमेंट में, और साथ ही साथ इसमें जिंजर एंड लिकोरिश जैसे कि मुलेठी का कॉम्बिनेशन है जो स्वीट फ्लेवर देता है आपके न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को। तो ये इजीली आप कंज्यूम कर सकते हैं और साथ ही इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा है। अब इतनी सारी चीज़ें हैं तो इसे कंज्यूम कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। रिकमेंडेड डोज है आपको सिर्फ एक सेशन दिन में एक बार देना है, और जो प्रिफर्ड टाइम है प्रोबायोटिक्स का, नॉर्मली लोग काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कब खाएं, क्योंकि एक हैबिट होती है खाना खाने के साथ हर चीज़ खाने की, राइट। बट प्रोबायोटिक्स का सबसे अच्छा टाइम जो है एम्प्टी स्टमक है, यानी कि सुबह अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक खाली पेट लें ताकि वो आपको हेल्थ को बेनिफिट दें। साथ ही साथ अगर आप सुबह भूल गए हैं नहीं ले पाए तो सेकेंड बेस्ट टाइम है रात को सोने से पहले, इसलिए क्योंकि जब आप सोते हैं पूरा टाइम मिलता है बैक्टीरिया को अच्छे से पेट में जाके फ्लरिश करने का, और जब आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो पहले से ही रेडी होते हैं उसे पचाने के लिए। तो ये 2 बेस्ट टाइम है आपको प्रोबायोटिक्स लेने के लिए। और हमारे न्यूट्रास्यूटिकल मिक्स को लेना भी बहुत ईजी है, क्योंकि ये आपको मिलते हैं सैशे फॉर्म में, आप इसको ईजिली ओपन करें और डायरेक्टली कंज्यूम कर लें। जो लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करना चाहते तो वो 100 ml वाटर नॉर्मल पानी में भी मिला के घोल के एज ए ड्रिंक भी पी सकते हैं इसे। इवन बच्चे भी, जैसे बच्चों को आप देना चाहें तो आप इसको मिला के पानी में भी पिला सकते हैं, और बच्चों का डोज हाफ रहेगा। प्लस सेशे होने की वजह से इसको कैरी करना भी ईजीली है। आप जब भी स्पेसिफिकली, जैसे मैंने बात की थी, जब भी ट्रैवल करें तो प्रोबायोटिक्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आप सभी ट्रैवल करके आ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि खाना जब आप खाते हैं तो कितना ज़रूरी होता है उसे पचाना। तो इसीलिए आप सेशे ईजिली कैरी करें जब भी ट्रैवल करें और इसके बेनिफिट लें। सो थैंक यू एवरीवन, आई होप आप